कोटा विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणामों में हुई त्रुटि को लेकर छात्रों ने जांच और साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर प्रदर्शन किया। छात्रों ने साथ ही पुनः उचित रिजल्ट जारी करने की मांगों को लेकर कोटा के राजकीय महाविद्यालय में विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने सूत्रधि यज्ञ कर अपना विरोध भी जताया, तो वहीं छात्र ने विरोध स्वरूप मुंडन भी करवाया। प्रदर्शनकारियों ने ये आरोप लगाया है कि एमएससी गणित और केमिस्ट्री में राजकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के 50% से अधिक विद्यार्थियों को बैग दी गई है, जबकि इसमें टॉपर्स भी शामिल है। इसमें विद्यालय प्रशासन लापरवाही का आरोप लगाते हुए रिजल्ट की जांच करवाने की मांग की है और साथ ही मांगे जल्द ही नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। आज राजकीय महाविद्यालय कोटा में यूनिवर्सिटी के खिलाफ सद्बुद्धि हवन कराया गया। इसमें समस्त छात्र प्रदर्शन कार्यकारिणी शामिल रही और छात्र संघ उपाध्यक्ष यानी कि मेरे द्वारा यहाँ पर केस दान किए गए, क्योंकि अब अति हो चुकी है, हम सीमा पार कर चुके हैं, क्योंकि हमने इतने तरीके अपना लिया, अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया यूनिवर्सिटी के खिलाफ। बच्चों के 80-80% बच्चे, 90-90% बच्चे फेल हो रहे हैं पीजी के। उसके अलावा यूजी के रिजल्ट आते हैं तब भी उनके रिवेल के नाम पर उनसे इतने पैसे लूट लिए जाते हैं, और बच्चा भी रिवेल का रिजल्ट नहीं आता उससे पहले सप्लीमेंट्री के फॉर्म भरा दिए जाते हैं ताकि बच्चों के और पैसे, मतलब यूनिवर्सिटी पूरी तरह से बच्चों के पैसे खाने में लग रही है। और बच्चे इतने ज़्यादा तनाव में आ चुके हैं कि हर बच्चों के हर एक एक दो दो दिन में हमारे पास कॉल आते रहते हैं कि इसका क्या करें हम, भैया क्या करें। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, इस चक्कर में आज हमने यूनिवर्सिटी के खिलाफ ये हवन सद्बुद्धि हवन किया है और मेरे द्वारा केस दान किए गए हैं।